जय हिंद दोस्तों। अगर आपने भी उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 में जो भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी उसको दिया था तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की नोटिफिकेशन 2023 में जारी की गई थी और उसकी लिखित परीक्षा की गई थी दोस्तों, वो हो गई थी रद्द। तो उसी से रिलेटेड ये प्रेस नोट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें दोस्तों आपकी जो री एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त एवं 31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि आपकी जो री एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है। ये जो मैंने डेट बताई है आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं, इस डेट में आपका जो है वो एग्जाम होना है। एक इन्फॉर्मेशन इसमें आपके लिए और भी है जो कि आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि वो आपके फायदे की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी को आप पढ़ सकते हैं, इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। सबसे लास्ट पैरा यानी कि पैरा नंबर 6 आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि आप अपने घर से, जहां से भी नियरेस्ट आपको रोडवेज मिलती है, वहां से लेके एग्जाम सेंटर तक, और एग्जाम सेंटर से अपने फिर नियरेस्ट बस स्टॉप तक, यानी कि जहां तक आपको रोडवेज की सेवा मिल सकती है, ठीक है, वहां तक आपके लिए रोडवेज की तरफ से दोस्तों, यूपी रोडवेज की तरफ से फ्री में जो है वो बस सेवा दी जाएगी। बस आपके लिए अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी जब भी आप यात्रा करें एग्जाम के टाइम पे तो उनको कंडक्टर के लिए देना है, ठीक है। बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।